नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, खासकर हमारे देश में, भारत देश में डॉक्टर को हम भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, और उसके पीछे की कारण है बहुत बड़ा। क्योंकि किसी इंसान को जन्म देना तो भगवान के हाथ में ही है, जन्म देना, मृत्यु देना, ये सब चीज़ भगवान के हाथ में है। लेकिन धरती पे जो डॉक्टर है वो भगवान का रूप बन के कभी कभी मौत की आगोश में जा रहे पेशेंट को बचा देते हैं, तो कभी नाउम्मीद हो चुके पेशेंट की जिंदगी लुटा देते हैं। इसीलिए हमारे देश में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। पसंदीदार महानगर पालिका के सर डीएम पैट्रिक हॉस्पिटल में कई ऐसी सुविधाएं हैं जिसका लाभ हाल के समय में पब्लिक ले रही है। इसी कड़ी में वैसे डीएम पैट्रिक हॉस्पिटल ने एक ऐसी सर्जरी अभी की जो दिखने में कॉमन है, लेकिन उसके लिए अवेयरनेस नहीं है। लोग जल्दी उस चीज़ को पकड़ते नहीं हैं, डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं। यहाँ एक पेशेंट था, एक बच्चा था छोटा, जो जन्म से ही जिसका पग मुड़ा हुआ था, तो वैसे ही डीएम पैट्रिक हॉस्पिटल के डॉक्टर ने, डिलीवरी भी वैसे ही डीएम पैट्रिक हॉस्पिटल में हुई, वहाँ के डॉक्टर ने इस चीज़ को मार्क किया और तुरंत इस चीज़ की जानकारी वैसे के प्रतिष्ठित डॉक्टर है उनको की, डॉक्टर अलहाद राउत, जिनका अपना क्लिनिक है, और वैसे ही महानगर पालिका के डीएम पैट्रिक हॉस्पिटल में सप्ताह में 2 बार जिनका विजिट रहता है, उनको इस बारे में बताया। उनको बोला कि सर एक पेशेंट है, उसको इलाज करना है, तो डॉक्टर साहब ने बखूबी उस पेशेंट का इलाज किया, उस बच्चे का इलाज किया, और एक सप्ताह, जन्म के एक सप्ताह बाद से बच्चे का इलाज शुरू हुआ। अभी करीब करीब बच्चा 1-1.5 महीने का है, ऐसी जानकारी हमें मिली है, और तब तक बच्चे का 90% जो समस्या है वो दूर हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं आप विजुअल्स में, वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से डॉक्टर काम कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है। इस बारे में हमने डॉक्टर अलाद राउत से भी बातचीत की, वो आप आगे वीडियो में देखिए क्या कुछ उन्होंने कहा। और जैसा मैंने कहा अभी कि डॉक्टर धरती पे एक भगवान का रूप माना जाता है, तो ऐसे ही डॉक्टर को भगवान नहीं कहा जाता है, क्योंकि डॉक्टर के अपने जो कर्म है उन कर्मों की वजह से उनको भगवान का रूप माना जाता है। मैं खुद भी लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस तरह से अगर ये कॉमन बीमारी किसी को आपको दिखाई दे तो ज़रूर नज़दीकी अस्पताल में पहुँचे। और सबसे बड़ी चीज़ कि आज हम हर चीज़ के लिए प्राइवेट में भागते हैं, लेकिन ये जो कारनामा हुआ है ये सरकारी दवाखाने में, वैसे ही डीएम पैट्रिक में हुआ है, तो हमारे सरकारी दवाखाने भी कुछ लेवल ऊपर आ रहे हैं, हमें ये चीज़ याद रखना चाहिए। तो सुनिए डॉक्टर साहब का क्या कहना है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। सर आपका नाम? अल्लाह नंद कुमार। सर आपने एक हाल ही में एक सर्जरी किया, एक बच्चे का, क्या था उस बच्चे को, क्या तकलीफ थी और क्या इस बारे में जानते हैं? वो एक्चुअली टिपिकल सर्जरी नहीं है कि जिसमें बेहोश किया जाता है, ऐसे कुछ नहीं है। बच्चों के पैर, जन्म से ही कई बच्चों में पैर थोड़े टेढ़े होते हैं, जो जिसका इंसिडेंस लगभग 1000 में एक बच्चे को होता है, इतना है। उसमें क्या होता है कि जन्म से ही बच्चे का पैर टेढ़ा रहता है, तो उसको करेक्शन जो है वो सही तरीके से पैर को करेक्ट करना ज़रूरी है। और उसके बारे में एक सबसे ज़रूरी चीज़ ऐसे है कि जितना जल्दी वो करेक्शन करना चालू करे वो बच्चे के लिए ज़्यादा अच्छा है, ताकि उनको बाद में कोई भी दिक्कत ना आ जाए। और आइडियली ये बच्चे का कैसे हुआ कि जन्म के अगले दिन ही मुझे बताया गया था म्यूनसिपैलिटी के डॉक्टर ने कि ऐसे पैर में दिक्कत है, तो उनके जन्म के एक हफ्ते में ही हम लोग ने उनका ट्रीटमेंट चालू। तो ये ट्रीटमेंट में कोई इंजेक्शन देना ज़रूरी नहीं रहता, कुछ बेहोश करना ज़रूरी नहीं रहता है। इसमें लगभग 5 से 6 प्लास्टर्स लगाए जाते हैं, एक के बाद एक, हर हफ्ते में एक प्लास्टर लगाया जाता है, और ये प्लास्टर से ये पूरा पैर उसका ठीक करने का हम लोग का कोशिश रहता है, जो 90-95% सक्सेस रेट वर्ल्ड वाइड है प्लास्टर में। तो बेसिक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारा ऐसे पैर ऐसे ये तरीके से रहता है, कई बच्चों का ऐसे अंदर की तरफ घुमा हुआ आता है जन्म से। तो हमारे यहाँ पे 2 प्रॉब्लम है ये कंडीशन में। एक यानी अवेयरनेस नहीं है, लोग मालिश वगैरह करने में काफ़ी देर गुजारा करते हैं, और उसमें
बच्चे का उम्र बढ़ती जाती है उतना ही प्लास्टर से ठीक होने का जो चांस है वो कम होते जाते हैं। जैसे बच्चा अगर 1 साल का है तो प्लास्टर में पूरी तरीके से वो ठीक होना डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये आपके माध्यम से एक ही कहना चाहता हूँ कि बच्चे के पैर में अगर कोई दिक्कत आपको लगती है जन्म के बाद, तो आप जल्दी से जल्दी अपने नज़दीकी म्यूनिसिपैलिटी हॉस्पिटल भी दिखा सकते हैं डॉक्टर, ताकि ये ट्रीटमेंट हम लोग चालू कर सकते हैं, जितना जल्दी चालू कर सकते हैं। अभी वो बच्चे को जिसको मैंने ट्रीट किया, तो अभी वो 1.5 महीने का है, तो 1.5 महीने में उसका 90% पैर नॉर्मल हो गया है। पूरी तरीके से उसका पैर ऐसे था अंदर की तरफ, दोनों भी पैर थे। और वो हम लोग ने पहले ही हफ्ते में जैसे ट्रीटमेंट चालू किया, उसमें सिर्फ प्लास्टर लगाया जाता है, एक सही तरीके से प्लास्टर लगाया जाता है, और वो प्लास्टर हर हफ्ते में बदल के हम लोग टोटल 5 से 6 प्लास्टर्स लगाते हैं, और वो पूरी तरीके से वो पैर का जो डिफॉर्मिटी है वो पूरी पूरी तरीके से करेक्ट करते हैं। तो इसमें जरूरी एक ही बात है कि जल्दी से जल्दी आप ऐसे, अगर आप कोई समझता है कि किसी बच्चे के पैर में दिक्कत है, तो जल्दी से जल्दी आपके करीब के कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा देना। वो जितना जल्दी हम लोग ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं, वो उतना ही हम लोग प्लास्टर से पूरी तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।